हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ मेंडल्स रिजल्ट्स, यानी कि मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोगों के क्या परिणाम रहे, उसके आधार पर उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिए, उनके बारे में इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे। तो मेंडल ने अपने जितने भी प्रयोग किए थे उनके आधार पर उन्होंने तीन सिद्धांत या तीन नियमों का प्रतिपादन किया, जिनमें से कि सबसे पहला कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता का नियम, सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स यानी कि पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, एंड थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इससे पहले बच्चों वीडियो में मैं जब टर्मिनोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस आपको बता रही थी तो वहाँ पे मैंने आपको डोमिनेंट एंड रिसेसिव के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। तो जो पहला नियम प्रभाविता का नियम है, उस नियम में वही सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है डोमिनेंट एंड रिसेसिव तो प्रभाविता का नियम आप समझ जाएंगे। तो देखो प्रभाविता के नियम में क्या है, देखो बच्चों प्रभाविता का नियम जो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के मध्य में क्रॉस कराया जा रहा है, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य में क्रॉस हो रहा है टॉल एंड ड्वार्फ, तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है इन दोनों में से, या तो टॉलनेस का या ड्वार्फनेस का। इन दोनों में से कौन सा प्रकट हो रहा है, टॉलनेस का, लंबे पौधे बन रहे हैं। दूसरा लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है, ये लक्षण कहीं छुप जाता है। तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे हम कहते हैं प्रभावी लक्षण, जो लक्षण छुप जाता है उसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण, और यही कहलाता है प्रभाविता का सिद्धांत। कि जब कंट्रास्टिंग एलीलोमॉर्फिक फैक्टर्स में से केवल एक अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है, वह कहलाता है डोमिनेंट, जो छुप जा रहा है कहलाता है रिसेसिव। और यही मेंडल का सिद्धांत है, किसका, प्रभाविता का सिद्धांत या लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने क्या कहा था कि कारक होते हैं, ये क्या है, कारक हैं, ये कारक जोड़े में होते हैं, टी टी ठीक हो गया, और ये जो है इनमें से एक ही पहली पीढ़ी में प्रकट हो रहा है जो प्रभावी कहलाता है। ठीक, इन कारकों के लिए जोहानसन ने 1909 में जीन शब्द का प्रयोग फिर किया था। ठीक है, तो ये है आपका प्रभाविता का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत। इसमें क्या है, इसी क्रॉस को आगे मैं कंटिन्यू करके बता रही हूँ बच्चों, इसी में आप ये समझाएंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही इसमें समझाया जाएगा या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब जब किसी एक लक्षण की वंशागति के अध्ययन के लिए दो पौधों के मध्य में क्रॉस कराया जाता है और किसी एक लक्षण की वंशागति किस प्रकार आगे की पीढ़ियों में हो रही है इसका अध्ययन किया जाता है, तो वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है, तो पृथक्करण के नियम के अनुसार जब एक जोड़ा कॉन्ट्रास्टिक जीन्स वाले पौधों के मध्य में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में तो हाइब्रिड बना। ठीक है, हाइब्रिड यानी कि विषम युग्मजी पौधा बना। ठीक, अब इसमें क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों से कारक प्रेजेंट हैं। ठीक है, बट ये कारक आपस में अपने गुणों को मिक्स या ब्लेंड नहीं करते हैं, ये एक साथ बने रहते हैं, और गैमेट्स के निर्माण के समय जब नेक्स्ट पीढ़ी के लिए गैमेट्स का निर्माण होगा उस समय पर ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। और F2 पीढ़ी में वो जो लक्षण छुप गया था, F1 में जो लक्षण छुप गया था रिसेसिव कैरेक्टर, वो रिसेसिव कैरेक्टर भी F2 पीढ़ी में प्रकट हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या था, हाइब्रिड प्लांट है, हाइब्रिड प्लांट से जो गैमेट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, अब इनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, किसी भी कॉम्बिनेशन में आपस में मिल सकते हैं, और किस प्रकार से प्लांट्स बनाएंगे, इस रेशियो में बनाएंगे, जो जीनोटिपिक रेशियो होगा यानी कि इनके जीन्स के अकॉर्डिंग जो रेशियो मिलेगा, 1:2:1 यानी कि 1 प्योर टॉल प्लांट, 2 हाइब्रिड टॉल प्लांट एंड 1 ड्वार्फ प्लांट। अभी ड्वार्फ कहाँ से आया, रिसेसिव कैरेक्टर था जो कि F1 में छुप गया था और यहाँ पर ये प्रकट हो गया। ठीक, फिनोटिपिक रेशियो यानी कि इन प्लांट्स के एक्सटर्नल अपेयरेंस के बेसिस पे किस रेशियो में ये मिलेंगे, 1:3 में टॉल हैं और 1:1 ड्वार्फ का है। ठीक है बच्चों, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन या युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत, यानी कि ये जो फैक्टर हैं जो F1 में
आपस में मिल गए थे, ये एक दूसरे के साथ में मिक्सअप नहीं हुए, बल्कि F2 पीढ़ी के जब इन्होंने गैमिट्स का निर्माण किया तो उन गैमिट्स में ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो गए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपको पृथक्करण के सिद्धांत का दिखा रही हूँ। देखो, पेरेंट में हमने लिया स्मूथ वैरायटी सीड की, जो मटर के बीज हैं, स्मूथ गोल, और रिंकल्ड वैरायटी, झुर्रीदार बीज। ठीक है, तो स्मूथ वैरायटी पहली पीढ़ी में जब हमने क्रॉस कराया, पहली पीढ़ी में हमको सारे बीज कैसे मिले, स्मूथ सीडेड यानी कि गोल राउंड मिले, पूरे स्मूथ मिले। ठीक है, तो स्मूथ मिले तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, स्मूथ। इसका जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, एस, स्मूथ का एस डबल रिपीट करेंगे। और जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसका जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, जो डोमिनेंट कैरेक्टर का फर्स्ट लेटर है उसी को स्मॉल में लिख देंगे। राइट, पहले भी बताया मैंने आपको लिखना जीनोटाइप। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में हमको सारे प्लांट कैसे मिले, स्मूथ सीडेड डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये रिंकल्ड जो कैरेक्टर था, रिसेसिव कैरेक्टर, ये यहाँ छुप किया। बट ये जो दोनों डोमिनेंट एंड रिसेसिव अलील्स थे, ये आपस में ब्लेंड नहीं हुए, इन्होंने कैरेक्टर को मिक्स नहीं किया। बट F1 में, F1 पीढ़ी के जब गैमिट्स बने, देखो एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन ये जो थे अलील्स, ये अलग अलग हो गए, और F2 जनरेशन में इन्होंने 3:1 में स्मूद एंड रिंकल्ड प्लांट बनाए। स्मूद अगेन द सेम, 2 हाइब्रिड स्मूद, 1 प्योर स्मूद एंड 1 रिंकल्ड। तो ये हमारा पृथक्करण के सिद्धांत का एक और एग्जाम्पल, आप इसको याद कर सकते हैं। और बच्चों, ये जैसे ये जो विजुअल डायग्राम है ना, ये जो मैं क्रॉस बना दिख रहा है आपको यहाँ पे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कहलाता है। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन इसमें हम कर रहे हैं, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। स्मूद एंड रिंकल्ड सीड के बीच में जो सिम्बोलाइज कर रहा है ये पूरा विजुअल डायग्राम है, इसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर, या चेकर बोर्ड भी इसको बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर और चेकर बोर्ड इसे हम कहते हैं, जिसको कि सबसे पहले एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे RC पुनेट, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। तो इसे पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। अच्छा बच्चों, देखो यहाँ पे स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैं आपको बता रही हूँ। देखो यहाँ पे प्योर डोमिनेंट है, जस्ट सपोज इसका जीनोटाइप है AA, प्योर डोमिनेंट, प्योर रिसेसिव स्मॉल AA, तो इससे गैमिट फॉर्मेशन में क्या आएगा, केवल A, इससे गैमिट फॉर्मेशन में केवल A। अब ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो फर्स्ट जनरेशन जो बनेगी वो क्या होगी, हाइब्रिड। F1 जो है क्या है, हाइब्रिड है, इम्प्योर डोमिनेंट और हाइब्रिड है, ठीक है, इम्प्योर। अब क्या होगा, एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन, F2 के लिए जब गैमिट्स बनेंगे, यहाँ पे सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन, आपस में एक साथ तो आ गए, एक जीव में हाइब्रिड बन गया, बट अब जब गैमिट्स बनेंगे तो ये सेग्रीगेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इससे AA, दो तरीके के गैमिट्स बनेंगे, A एंड A। और F2 में क्या रेशियो दे देंगे, 1:1 के रेशियो में ये सेपरेट आउट हो जाएंगे। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, या स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत इसे हम कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन के सिद्धांत में हम जो स्टडी करते हैं क्रॉस, दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस, यानी कि हम यहाँ पे दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं और इस सिद्धांत को समझते हैं। अभी तक हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी किया था, यानी कि एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे दो लक्षणों को, पहले मैं आपको समझाती हूँ इसको, फिर मैं आपको नियम बताऊँगी कि क्या रिजल्ट निकला। ये आपको बनाना सीखना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, याद नहीं, सीख लेंगे तो आप खुद से बना लेंगे इसे। देखो ये क्या है, द्विसंकर क्रॉस या डाईहाइब्रिड क्रॉस ये है। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, वह क्रॉस जिसमें कि हम दो लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को, जिसमें कि हम दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं, यानी कि किस प्रकार से दो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब यहाँ कैरेक्टर्स क्या लिए, राउंड एंड येलो, बीज का रंग और बीज का आकार, राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट्स एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन सीडेड प्लांट्स, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। राउंड एंड येलो प्योर प्लांट, जो कि राउंड और येलो सीडेड प्योर प्लांट्स थे। प्योर अब आपको समझ में आ रहा होगा, प्योर मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि सेल्फिंग पे कई जनरेशन तक सेम प्लांट्स देते हैं, राइट। ऐसे ही प्योर प्लांट्स थे रिंकल्ड एंड ग्रीन। F1 पीढ़ी में जो प्लांट्स बने ये सारे क्या थे, राउंड एंड येलो। अब देखो कैपिटल RR राउंड का जीनोटाइप है, येलो का है YY, राइट।
ऐसे रिंकल का स्मॉल आर आर एंड ग्रीन का स्मॉल वाई वाई। यहाँ से जो गैमीट्स बनेंगे, एक अलील आर एक अलील वाई, ये गैमीट है आर वाई, ठीक है, गैमीट में। और यहाँ जो गैमीट बने स्मॉल आर वाई, ये दोनों जब जुड़ेंगे आपस में, आफ्टर निषेचन गैमीट्स जुड़ेंगे, तो जो नया जीन बनेगा हाइब्रिड, दैट विल बी राउंड एंड येलो। तो F1PD में कौन सा कैरेक्टर अपेयर हुआ? राउंड एंड येलो। इसलिए हमने जो जीन्स बनाए हैं आर आर राउंड, वाई वाई येलो कैपिटल, और इसी का सेम स्मॉल लेटर्स में लिखा रिंकल्ड एंड ग्रीन के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये F1 जनरेशन थी जिसमें कि राउंड येलो प्लांट्स बने, राउंड येलो सीड कंटेनिंग प्लांट्स, राइट। अब देखो इनके जो गैमीट्स बनेंगे, ये इनके जो गैमीट्स बनेंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में बन सकते हैं। देखो बच्चों, आर वाई एक ये गैमीट बन सकता है, राइट। आर कैन कंबाइन विद दिस वाई, आर वाई बन सकता है, ओके। दिस आर एंड दिस वाई आर वाई, ओके, एंड दिस आर विद दिस वाई आर वाई। फोर टाइप्स ऑफ गैमीट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम दीज हाइब्रिड राउंड एंड येलो सीड कंटेनिंग प्लांट्स, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इनसे मिले जो गैमीट्स हैं, इनको कुछ को हम मेल गैमीट के रूप में लेना पड़ेगा, कुछ को फीमेल। सेम आप यहाँ पे लिखेंगे एज अ मेल गैमीट, सेम लिखेंगे एज फीमेल। इनको हमें कुछ नहीं करना, साथ साथ लिख देना है। आर वाई आर वाई है तो आर आर साथ, वाई वाई साथ, आर आर साथ, वाई वाई साथ। इस प्रकार इनको इनसे मल्टीप्लाई करके लिखते जाइए, इनको इनसे, इसको इससे, यहाँ लिखते जाइए, ठीक। इसी तरीके से इनको इससे यहाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखा। आप इसको कीजिएगा, आप बहुत इन्जॉय करेंगे इसको बनाना, अच्छा लगेगा आपको इसको बनाने में। अब जीनोटाइप आ जाएगा जब आप ये गैमीट्स को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि जो आर है उसका अलील उसके साथ ही लिखेगा, वाई का अलील उसके साथ लिखेगा, आर वाई नहीं लिखेंगे आप, आर आर वाई वाई ही लिखना है हर जगह आपको, ठीक है। अब इनका फिनोटाइप के लिए देखो बच्चों, कैपिटल वाला जो कि क्या होता है, डोमिनेंट होता है, राइट। अगर कैपिटल वाला एक भी होगा तो उसका कैरेक्टर आएगा, ओके, और स्मॉल वाले दो भी होंगे तो उसका कैरेक्टर नहीं आएगा। लाइक देखो आर आर वाई वाई, यहाँ तो दोनों ही कैपिटल हैं तो डोमिनेंट राउंड एंड येलो आ जाएगा, ओके। यहाँ देखो आर में तो दोनों ही कैपिटल हैं तो राउंड, वाई एंड वाई एक स्मॉल है, एक स्मॉल के होने से कुछ नहीं होता, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये सिंगल भी होता है तो उसी का कैरेक्टर अपेयर होता है, ओके, येलो आ जाएगा। यहाँ देखो आर आर वाई वाई, यहाँ पे आर दो साथ में है तो इसका कैरेक्टर आएगा रिंकल्ड एंड वाई येलो, ओके। यहाँ देखो, यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ना, तो कैपिटल अगर एक भी है तो डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर आएगा राउंड एंड येलो, ओके। ऐसे एक आध और देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे स्मॉल आर है, रिसेसिव जब है तब रिसेसिवनेस का कैरेक्टर आएगा रिंकल्ड सीड्स, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई अकेला है तो अपना कैरेक्टर अपेयर नहीं करा पाएगा, कैपिटल वाई है तो येलो डोमिनेंट कैरेक्टर, ओके। इसी तरीके से जब आप क्रॉस करके पूरे जीनोटाइप लिखेंगे तो आप खुद से इनके फिनोटाइप बनाना सीखेगा, तो जो फिनोटिपिक रेशियो बनता है F2 जनरेशन का, फिनोटिपिक रेशियो मिलता है, 9:3:3:1, 9 मिलते हैं हमको राउंड येलो, ठीक है, 9 राउंड एंड येलो, उसके बाद 3 होते हैं राउंड ग्रीन, 3 होते हैं हमारे रिंकल्ड येलो, और 1 होते हैं रिंकल्ड ग्रीन। तो बच्चों यहाँ हमने क्या देखा, हमने लिए थे दो कैरेक्टर, है ना, दो कैरेक्टर वाले पौधे लिए थे, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स वाले, बट यहाँ हमको 4 टाइप की सीड्स मिल गई, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, 4 टाइप्स ऑफ सीड्स, यानी कि 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हमको यहाँ पे मिले। तो ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें हमने क्या पढ़ा, दो लक्षणों की वंशागति किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है, ये पढ़ी। अब इसके बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हाँ बच्चों, तो इस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मेंडल ने क्या कंक्लूड किया,
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस सिद्धांत के अनुसार डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो जीन्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ दो कैरेक्टर लिए थे, राउंड शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड, दो कैरेक्टर्स थे ना बच्चों, तो ये इनके जो कैरेक्टर, इन कैरेक्टर्स के जो जीन्स हैं, ये डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि अलग अलग गुणसूत्र के जोड़ों में उपस्थित होते हैं, और इनका जो सेग्रीगेशन होता है यानी कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जब गैमीट्स बन रहे हैं तो ये अलग अलग लक्षण, क्योंकि ये अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित हैं और इनका सेग्रीगेशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ये एक दूसरे से अलग अलग बनते हैं, राइट, मिक्सअप नहीं होते हैं, ये सिद्धांत है। या हम इस तरीके से भी इसे कह सकते हैं कि जब हम दो या दो से अधिक जीन्स या दो या दो से अधिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो इन लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होती है, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं होता। मतलब ये जो जीन्स हैं अलग अलग लक्षणों के, ये कहाँ उपस्थित होते हैं, ये डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही।